हाय गाइस, हमारी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी डॉग ब्रीड के बारे में जिसके बारे में आप में से हर कोई जानता होगा। जी हाँ गाइस, आज हम बात करेंगे अमेरिकन पिटबुल के बारे में। सो फ्रेंड्स, ये अमेरिकन पिटबुल आप लोगों को मेल और फीमेल दोनों ही मिल जाएंगे। और वीडियो में इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन दोनों का ही प्राइस सेम है, चाहे आप लोग मेल को परचेज करो या फिर फीमेल को। एंड गाइस, इन पिटबुल पपीज में आप लोगों को अलग अलग कलर्स कॉम्बिनेशन भी देखने को मिल जाएंगे, तो आप लोग जिसे चाहें उसे परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप लोग इन पपीज को अपना टाइम दे सकते हैं तो आप में से कोई भी इन्हें परचेज कर सकता है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये डॉग्स फर्स्ट टाइम ओनर्स के लिए नहीं होते। बस अगर आप लोग पिटबुल को अच्छे से सोशलाइज कर लेंगे तो ये डॉग्स भी आप लोगों के लिए उतने ही फ्रेंडली हो जाएंगे जितने की बाकी के डॉग्स होते हैं। क्योंकि कुछ लोगों ने इस डॉग ब्रीड की इमेज कुछ ऐसी बना रखी है कि इसका नाम सुनते ही लोग थोड़ा डर जाते हैं और सोचते हैं कि ये घर में रखने लायक डॉग ब्रीड नहीं है। बट दोस्तों, यकीन मानिए, पिटबुल अपनी फैमिली के लिए बहुत ही ज्यादा वफादार डॉग्स होते हैं और ये अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और आप फ्रेंड्स, अपने पपीज को ट्रेन जरूर करें ताकि वो आप लोगों की बातें अच्छे से माने। और आप फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस डॉग ब्रीड को बचपन से ही रखते हैं तो ये छोटे बच्चों के साथ भी बहुत ही फ्रेंडली होते हैं। पिटबुल शॉर्ट कोट में होते हैं और ये डॉग्स बहुत ही पावरफुल, मस्कुलर और एक्टिव डॉग ब्रीड है। पिटबुल काफी अच्छे एथलीट डॉग्स होते हैं और इनके लॉकिंग जॉर्ज होने की वजह से ये अगर किसी चीज को एक बार पकड़ लें तो उनका छूट पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो दोस्तों, आप में से जो भी इन पपीज को परचेज करने में इंटरेस्टेड है तो उसके लिए आप लोग डॉग ओनर से बात कर सकते हैं। नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ गाइस, ओनर ने स्पेशली ये बोला है कि अगर आप लोग सीरियस बायर हैं तो ही ओनर से कॉन्टेक्ट करें। एंड गाइस, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये इन पपीज के मदर फादर हैं। दोनों की क्वालिटी काफी अच्छी है। बाकी आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि इन दोनों की क्वालिटी आप लोगों को कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं इन पपीज की बाकी की इन्फॉर्मेशन के बारे में, इनकी एज, प्राइस और लोकेशन। तो अगर इनकी एज के बारे में बात करें तो ये पपीज 45 डेज के हो चुके हैं और इनकी जो लोकेशन है वो है लखनऊ से। और गाइस, डिलीवरी आप लोगों को इन पपीज पे नहीं मिल पाएगी। ओनर ने स्पेशली बोला है कि जो भी इन्हें परचेज करना चाहता है वो डायरेक्ट घर आए और मदर के पास से पपीज को ले जा सकते हैं। और वैसे भी अगर आप लोग डिलीवरी को जितना भी अवॉइड करोगे वो आप लोगों के लिए ही फायदेमंद है। सो दोस्तों, अगर आप लोग पिटबुल डॉग ब्रीड लवर हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप लोगों को मेरी आने वाली सभी वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए गाइस, फाइनली बात कर लेते हैं इन पपीज के प्राइस के बारे में। जैसा कि मैं आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुका हूं, ये पपीज मेल और फीमेल दोनों ही मिल जाएंगे और दोनों का ही प्राइस सेम है। तो ओनर ने जो इनके प्राइस की डिमांड की है वो के 12,000 रुपीज, यानी 12,000 रुपए। अब ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग मेल को परचेज करना चाहोगे या फिर फीमेल को। बाकी क्वालिटी के हिसाब से आप लोगों को इनका प्राइस कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। जल्दी मिलते हैं हमारी एक और न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय बाय।